हमने जिसको हमने सार्वजनिक किया है आपके माध्यम से, उसके तीन मुख्य बिंदु हैं। पहला, सरकारी भर्तियों में जो लेट लतीफ़ी है, देरी है, अनियमितता है, भ्रष्टाचार है, पेपर लीक है, उसको एड्रेस करने का सवाल। हम मॉडल एग्ज़ाम कोड की लंबे समय से बात करते आए हैं, जो कहता है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया हो, टू टीयर एग्ज़ाम प्रोसेस हो, थ्री टीयर एग्ज़ाम प्रोसेस हो, वो विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया अधिकतम 9 महीने में पूरी हो सकती है। नमस्कार, मैं आशुतोष। बिहार में जिस तरीके से राजनीति अपने जान रहे हैं आप, नीतीश कुमार जी से पाला बदला और तेजस्वी यादव एक तरीके से राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस एक महागठबंधन फिर से तैयार हो गया और उस पर फिर से रोजगार की बातचीत चलने लगी। 2020 में भी रोजगार की बातचीत चल रही थी, 10 लाख रोजगार, 10 लाख सरकारी नौकरियाँ तेजस्वी यादव बातचीत कर रहे थे और उसके बाद अब वो सत्ता में वापसी हुई है और अनुपम हमारे साथ है युवा हल्ला बोल के, आप भी रोजगार की बात कर रहे हैं क्योंकि कल भी अगर देखेंगे तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम बने हैं उन्होंने कहा है कि सरकारी जो रिक्तियां हैं वो भर दी जाएंगी और रोजगार पर विशेष काम किया जाएगा। अब यात्रा आप भी कर रहे हैं, एक प्रशांत किशोर भी यात्रा कर रहे हैं, बिहार एक तरीके से लग रहा है कि पॉलिटिकली यात्राओं का ग्राउंड और सरकारी बदलने का ग्राउंड बन चुका है, तो आप में क्या खास है, आप क्या आज लेकर ने आए हैं? नहीं देखिए, सरकारें तो बात हमेशा करती हैं कि हम नौकरी देंगे, रोज़गार देंगे। जिन सरकारों से हमारी शिकायतें हैं उन्होंने भी हमेशा यही कहा कि हम रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे, तो सरकारें क्या कहती हैं उस पर अब हमको बहुत ज़्यादा यकीन नहीं है, चाहे अभी की बिहार सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। हमारा यकीन इस बात पर है कि देश के युवा एकजुट होकर जो घोर हताशा का माहौल है बेरोज़गारी के संकट के कारण, जिस कारण से आत्महत्या की खबरें बढ़ने लगी है, जिस कारण बेरोज़गारी जीवन मरण का सवाल बन चुका है, उस हताशा से निकले और आत्महत्या नहीं आंदोलन होगा इस नारे के साथ हम बिहार के नौजवानों को, बिहार के नागरिकों को लामबंद एकजुट करना चाहते हैं, ताकि सरकार जो भी हो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं कि सरकार किसकी है, लेकिन उसको देश के बिहार के युवाओं की सुनना पड़े, उनके बेहतर भविष्य के लिए योजनाएं बनाए, रोज़गार जैसे सवाल पे ये छलावा और जुमलेबाजी ना करे, झांसेबाजी ना करे। हम तो बस ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खास ये है हमारे मामले में कम से कम कि बाकी सब जो लोग एक दिन पहले तक जिनको मुख्यमंत्री अच्छा नहीं लगता वो 2 दिन बाद उसको सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताने लग जाते हैं, कुछ लोग जिनके साथ सरकार बना रहे थे वो 2 दिन बाद उसी मुख्यमंत्री को जिसके साथ सरकार में थे उसको उसके बारे में अभद्र भाषाएं इस्तेमाल करने लग जाते हैं। हमारे बारे में खासियत ये है कि हमने जिस डॉक्यूमेंट को आज जारी किया है वो हमने 10 दिन पहले तैयार कर लिया था और सरकार बदलने का हमारी भाषा पे असर नहीं पड़ा, यही सबसे खास बात है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है एक तरीके से आप लेकर आए हैं इसमें खास क्या है, ये नया क्या डॉक्यूमेंट है? क्योंकि आप यात्रा तो कर रहे थे 16-23 तारीख और शायद उसी की तैयारी चल रही है। उसी की तैयारी है। देखिए, हम यात्रा कर रहे हैं, बिहार के नागरिकों से संवाद करेंगे और जन समर्थन तैयार कर रहे हैं, विशेषकर युवाओं का। तो हम किस प्रस्ताव के इर्द गिर्द जन समर्थन तैयार करेंगे? आज की जो खास बात है वो ये है कि वो ठोस प्रस्ताव जो हमें लगता है कि बेरोजगारी के गंभीर संकट का समाधान है, वो हमने आज पेश किया। हमने इसको नाम दिया है भारत रोजगार संहिता। भारत रोजगार संहिता मतलब भरोसा। तो देश के युवाओं को, बिहार के युवाओं को सरकार से भरोसा चाहिए, भरोसा चाहिए बेहतर भविष्य का, भरोसा चाहिए कि राष्ट्र निर्माण में उनका भी योगदान हो, उनकी भागीदारी हो, उनको अछूता ना छोड़ा जाए। इस भरोसा जिसको हमने सार्वजनिक किया है आपके माध्यम से, उसके तीन मुख्य बिंदु हैं। पहला, सरकारी भर्तियों में जो लेट लतीफ़ी है, देरी है, अनियमितता है, भ्रष्टाचार है, पेपर लीक है, उसको एड्रेस करने का सवाल। हम मॉडल एग्ज़ाम कोड की लंबे समय से बात करते आए हैं, जो कहता है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया हो, टू टीयर एग्ज़ाम प्रोसेस हो, थ्री टीयर एग्ज़ाम प्रोसेस हो, वो विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया अधिकतम 9 महीने में पूरी हो सकती है। वो मॉडल एग्ज़ाम कोड कानून बनना चाहिए, हमारी कोशिश है, सरकार से हमारी ये मांग है। जो रिक्त पड़े पद हैं, स्वीकृत हैं लेकिन रिक्त हैं, उनको तुरंत भरा जाना चाहिए। पहला बिंदु तो भरोसा का ये है। दूसरा बिंदु है कि रोजगार की गारंटी हो उन लोगों को, कम से कम न्यूनतम आय पे, कि हमारे देश में किसी को भूखे सोने को मजबूर ना होना पड़े। हमारे देश का एक बड़ा वर्ग है, 93-94% जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करता है। तो ग्रामीण ऐसा कानून तो है ही, लेकिन शहरी कानून की लंबे समय से मांग हो रही थी। हम ये कह रहे हैं कि न्यूनतम आय पे साल के 200 दिन, 21 वर्ष से 50 वर्ष
आयु के लोगों के लिए रोजगार की गारंटी हो, उनको रोजगार का अधिकार हो। सिमिलर मनरेगा जैसा एक शहरी और ग्रामीण भारत को मिला के एक्चुअली कह सकते हैं कि सिमिलर है, लेकिन मनरेगा को तो प्रधानमंत्री मानते हैं कि बहुत बड़ा फेलियर है। हाँ, और ये कॉन्सेप्ट ही पूरा फेल मानते हैं, तो बंद क्यों नहीं कर पाते आप समझिए ना, उस फेलियर को ढो क्यों रहे हैं। अगर उसको फेलियर मानते हैं तो पिछले 8 साल में मनरेगा को तो बंद नहीं किया ना। मनरेगा का जो बजट है वो जितनी ज़रूरत है उतनी भले ना दे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। आप देखिए कोविड के समय मनरेगा नहीं होता, पीडीएस नहीं होता, तो क्या होता लॉकडाउन के समय? बात तो प्रधानमंत्री जी भी समझते हैं। देखिए मनरेगा में भ्रष्टाचार है, हम जानते हैं, हम ज़मीन से जुड़े लोगों को पता है ये बात। उसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है, उसमें बहुत लीडरशिप में सुधार की गुंजाइश है, जिससे अब क्या लगता है बिहार जाएंगे लेकिन इसको लेकर, लेकिन कॉन्सेप्चुअली रोजगार के गारंटी का कानून होना चाहिए देश भर में। क्या लगता है आप यात्रा करेंगे कोई राजनीतिक मुद्दा बन पाएगा, क्योंकि 2020 का चुनाव भी इसी मुद्दे पर हुआ था और उसका कोई बड़ा रिजल्ट नहीं देखने को मिला। देखिए राजनीतिक मुद्दा तो बन जा रहा है और हम देख रहे हैं पिछले 2-3 वर्षों से वोटिंग में इसका असर नहीं है। ठीक बात है, राजनीतिक मुद्दा तो बन जाता है और हमने जब जब प्रमुखता से मजबूती से किसी भी ढंग से रोजगार के सवाल को उठाया है, और अगर किसी चुनाव से के समय उठा दिया तो फिर तो वो बन ही जाता है चुनावी बहस का मुद्दा। लेकिन उसका वोटिंग पर प्रभाव शायद इसलिए नहीं पड़ता है कि जितने भी पक्ष हों, एक पक्ष की गलती होती है, दूसरा सवाल कर रहा होता है, जितने भी चुनावी पक्ष हैं उनमें किसी के प्रति शायद आम नागरिकों में, युवाओं में वो विश्वास, वो भरोसा उत्पन्न नहीं होता कि रोजगार को लेकर वो सही में कुछ बदलाव कर देंगे। शायद ये कारण है, वरना आप देखते हैं पूरा का पूरा चुनाव रोजगार पर लड़ लिया गया, लेकिन अगर उसका चुनावी असर नहीं हुआ, इसका एक ही अर्थ है कि लोग तो चाह रहे हैं, लोग तो उस पर बात करना चाह रहे हैं, लोग तो बात कर रहे हैं, लेकिन उनका शायद भरोसा नहीं है उन पार्टियों पे जो बात कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि सिर्फ चुनाव के वक्त ही नहीं, सिर्फ राजनीतिक मुद्दा ही नहीं, इस पर ठोस काम हो। ठोस काम क्या हो अगर सरकार को नहीं समझ में आ रहा है, तो हम ये भारत रोजगार संहिता तैयार करके दे रहे हैं उनको। हम बता रहे हैं कि आप ये जो है ये न्यूनतम काम है जो आप करेंगे, तब जाके देश के युवाओं में भरोसा उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ अनुपम, जो एक तरीके से एक नई यात्रा पर निकले हैं। अब देखना होगा, जो इतनी सारी राजनीतिक उथल पुथल बिहार में चल रही है और एक और नई यात्रा जिसमें रोजगार को लेकर बड़ा सवाल है, इसका क्या असर होता है, और 2024 के, क्योंकि अब जो भी बातचीत हो रही है 24 के चुनाव को लेकर हो रही है, क्या बिहार से एक और, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पहल की है कि वो एक बड़ा विपक्ष बनाने की गुलबंदी करेंगे, तो क्या कुछ मुद्दों की गुलबंदी बिहार से ऐसे संगठन कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।